सत श्री अकाल, मैं हूं आपका दानिश शर्मा और आज तारीख है 30 जुलाई और मैं इस वक्त आया हूं रोडू हिंदुजा में। आप मैनेजर है और इस बहाने में इनके साथ आ गया मार्केटिंग करने के लिए। अभी जिस होटल में मैं ठहरा हूं आप देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा बजट का होटल है। अलमीरा फैसिलिटीज़ भी है यहाँ पर, कपड़े वगैरह आप रख सकते हैं और ये स्क्रीन लगी है यहाँ पर LCD। और इसके बाहर का व्यू कैसा दिखता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे बिल्कुल बैक साइड देखेंगे आप, ये जहाँ मैंने कमरा लिया हुआ है ये वहाँ का व्यूज़ है। और इस वक्त मैं सेकंड में था, फर्स्ट फ्लोर में हम लोग सेकंड फ्लोर में होंगे ना, हम लोग सेकंड फ्लोर में हैं। वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा है यहाँ का, ये देख रहे हैं आप वॉशरूम। तो और अभी हम लोग 6 साढ़े 6 बजे के आसपास उठ गए थे, हम लोगों ने अभी कॉफ़ी ऑर्डर की है। और ये मेरा कज़न, मैं आपको दिखाता हूँ रिंकू। हाय। और ये हिंदुजा फाइनेंस में है और हिमाचल में जितनी भी गाड़ी डील होती है हिंदुजा कंपनी ब्रांड है, जैसे महिंद्रा है, हिंदुजा है, सब अलग अलग कंपनीज है, लेकिन मेरा भाई फिलहाल जो है अभी हिंदुजा कंपनी में वर्किंग में है एज अ हब मैनेजर, जिसको बोलते हैं अड्डा मैनेजर, हिंदी में तो अड्डा ही बोलते हैं अड्डा मैनेजर। और अच्छा लगा मेरे को यहाँ, मैं एक्चुअली सेकेंड टाइम रोडू आया हूँ और मुझे ठीक लगा। और स्पेशली मैं आया था कि मुझे यहाँ सेब मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ एप्पल जो है काफ़ी लगाए जाते हैं रोडू में। अक्सर मैं होटल में विज़िट करता नहीं हूँ क्योंकि मेरा जो काम है वो कैंपिंग का ही है। ये तो मैं ऐसे ही आ गया थोड़ा सा, मैं चलो कोई नहीं इन्जॉय करके आते, थोड़ा देखते हैं वहाँ के होटल्स वगैरह कैसे है। कभी मेरे गेस्टों को अगर आना पड़े और रोडू में उन्होंने स्टे करना चाह रहे हैं तो कम से कम आप मेरी ट्रैवल एजेंसी को फॉलो तो कर सकते हैं सर। वाइल्ड कैंपिंग टू एंड ट्रैवल की नाम की कंपनी है मेरी एंड अंडरटेकिंग टूरिज़म है, रजिस्टर्ड है। आप इंस्टाग्राम पर फॉलो पे कहीं भी आप गूगल रिव्यूज़ आप चेक कर सकते हैं। हमने कॉफ़ी मंगवाई थी, मेरा भाई ये काम कर रहा है सुबह सुबह, ये मेरा भाई है, बहुत चिढ़ता है मेरे से लेकिन अभी नहीं बोलेगा कुछ, अभी नहीं बोलेगा कुछ रहने, अभी नहीं बोलेगा, बोलेगा जरूर लेकिन अभी नहीं बोलेगा, अभी वीडियो बन रही है ना तब नहीं बोलेगा ये ये मेरा भाई है, सबसे प्यारा भाई है मेरा। तो हमने यहाँ से आज चेकआउट किया, ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल गए मेरा। आज भी पूरे दिन रोडू में ही हूँ क्योंकि काफ़ी और भी होटल्स हैं जो मैंने यहाँ देखने को, वो भी थोड़ा वो रह गया हुआ। ये रिसेप्शन है हमारे पीछे, थोड़ी मेरी आवाज़ जो है कम आएगी क्योंकि यहाँ कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन काम चला हुआ है, ये देख रहे हैं आप पीछे। और जिस होटल का जो नाम है लोक सेवा ग्रैंड, काफ़ी अच्छा होटल है, काफ़ी अच्छे रूम्स हैं यहाँ पर। थोड़ी इस वीडियो में थोड़ी आपको मेरी आवाज़ कम सुनाई देगी क्योंकि थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन यहाँ काम चला हुआ है। ये लॉज है, यहाँ आप लोग बैठ सकते हैं अपना, जब तक आप, क्योंकि 12 बजे से पहले आप कहीं भी किसी भी होटल में चेक इन नहीं कर सकते, तो यहाँ इन्होंने लॉज बनाया हुआ है कि जब तक रूम चेकआउट होगा तो आप यहाँ आराम से बैठ के
वेट कर सकते हैं, चाय कॉफ़ी का मज़ा ले सकते हैं। याद रहे इस होटल का जो नाम है सेवा ग्रैंड होटल, रूम्स काफ़ी अच्छे हैं। थोड़ी मेरी वॉइस क्लियर नहीं आएगी बिकॉज थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन काम चला हुआ है यहाँ पर। और अपनी इस वीडियो को मैं आज यहीं फिनिश करता हूँ। और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दानिश ब्लॉग के नाम से, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच गाइज़।